आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ पे खंजर भोगने का काम, जिन्होंने हमारे नेता के जाते उनकी चिता की आग अभी तक ठंडी नहीं, सिर्फ एक मंत्री पद पाने के लिए मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को अपनी मां माना था। अंबेडकर जयंती के मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कई तरह के इल्जाम लगाए, कहा दलितों का आवाज उठाने के लिए रामविलास पासवान सबसे आगे रहे, लेकिन आज जो ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि हमने दलितों के लिए काफ़ी काम किया, उसी नेता ने दलित नेता रामविलास पासवान को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, और जब वो रामविलास पासवान को बर्बाद नहीं कर पाए तब उनके खून बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं डरने या झुकने वाला नहीं हूँ। आप खुद सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ पे खंजर भोगने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे नेता के जाने के बाद उनके विचारों उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देने का काम किया, और यकीनन इसमें कई अपने भी हैं, कई अपने घर के भी हैं, जिन्होंने हमारे नेता के जाते ही उनकी चिता की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई थी, और परिवार को उन लोगों ने तोड़ने का काम किया। क्यों? सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, सिर्फ एक मंत्री पद पाने के लिए मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को अपनी मां माना था, और अपनी मां मानकर उम्र भर उन्होंने सेवा की। इस नाते मेरा भी रिश्ता है हाजीपुर से, और ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये घर परिवार का रिश्ता है। मैं जब राजनीति में था भी नहीं, राजनीति का काका घर भी नहीं जानता था, तब से अपने नेता अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उंगली पकड़कर यहाँ पर आऊं, तब से आप लोगों से वो मेरा परिचय करवा रहा, कैसे भूल जाऊं भैया मैं हाजीपुर को अपने नेता अपने पिता के जाने के बाद कैसे भूल जाऊं, बताइए। तो आज अंबेडकर जयंती के मौके पर चिराग पासवान ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर बड़े हमले किए, दलित समाज के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के साथ गलत किया, और ये याद दिलाने की कोशिश की कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए जितनी बातें रामविलास पासवान ने करी, जितना सम्मान रामविलास पासवान ने दिलाया उतना कोई नहीं दिलाया, ये अलग बात है कि आज वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार और अन्य पार्टियों के नेता बाबा भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं। आप देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।